इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम सूट की स्टिचिंग किस तरह करेंगे। पहले मैं यहाँ सूट का बैक नेक बना रही हूँ। यहाँ हम नेक की चौड़ाई 4 इंच लेंगे क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं और इसकी गहराई रहेगी 7 इंच। अगर आप इस सूट की कटिंग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसकी चौड़ाई रहेगी 4 इंच और गहराई रहेगी 7 इंच। बॉक्स बनने के बाद हम इसके कोने से 1.2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे निशान पर। आप चाहे तो फ्यूज़ पेपर को ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे निशान लगा लें 0.7 इंच पर, उसके बाद आप कटिंग करें जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। नेक की कटिंग के बाद हम इसे कपड़े पर आयरन की मदद से अच्छी तरह से चिपका देंगे। यहाँ मैंने फ्यूज़ पेपर को कपड़े पर चिपका लिया है। ये कपड़े की उल्टी साइड है, ऊपर की तरफ जो दिख रही है हमें। मैं फ्यूज़ पेपर को कपड़े की उल्टी साइड ही चिपकानी है। सेंटर में हम ऐसे छोटे से कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के निकाल देंगे कुछ ऐसे। और हम इसे सिलाई कर देंगे फोल्ड करके। यहाँ हमारी सिलाई पूरी हो गई है, अब हम इसे सूट पर लगाएंगे। हम सूट का बैक पार्ट लेंगे। ये हमारे सूट का बैक पार्ट है, ये उसकी सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है। सेंटर में ऐसे हम दबाते हुए क्रीज बना लेंगे और ऊपर में ऐसे कट लगा देंगे। सूट की सीधी साइड को हम ऊपर रखेंगे और इस पर हम अपना नेक रखेंगे। हमने जो कट लगाया था दोनों कट को मिलाते हुए हमें नेक को सेंटर में रखना है। क्रीज से हमने सूट का सेंटर बनाया था, इसे सेंटर में मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे। अब हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। हमें यहाँ डोरी लगानी है, अगर आपको डोरी नहीं लगानी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम डोरी को फ्यूज़ पेपर के आगे रखेंगे ताकि हम अगर सिलाई लगाएं तो उस पर सिलाई अच्छे से आ जाए। निशान पर रखते हुए डोरी को फ्यूज़ पेपर के आगे कर देंगे, देखिए यहाँ तक। अब हम सिलाई लगा देंगे इस पर। सिलाई हमें फ्यूज़ पेपर के बाद लगानी है, फ्यूज़ पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। जहाँ हमारी डोरी है वहाँ हम सिलाई अच्छे से लगाएंगे, गांठ लगा देंगे सिलाई से ताकि हमारी डोरी मजबूती से सिल जाए, वो निकले ना बाद में।
यहाँ मैं एक्स्ट्रा कपड़े को काट के हटा रही हूँ ताकि आपको सिलाई दिखे कि मैं कहाँ सिलाई लगा रही हूँ। मैं सिलाई एकदम फ्यूज़ पेपर के बाद ही लगानी है ताकि इससे हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आए। गोलाई पर आप धीरे धीरे और ध्यान से सिलाई लगाएं। गले को अच्छे से बैठाते हुए मैं सिलाई लगाती जानी है। अब हमें यहाँ दूसरी डोरी भी लगानी है। बिल्कुल उसी तरह हमें फ्यूज़ पेपर के आगे डोरी को रखना है और उस पर अच्छे से सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम इसके बीच के कपड़े को काट के निकाल देंगे। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें पूरे गले पर ऐसे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ध्यान से हमें सिलाई नहीं काटनी है। अब हम गले को इस तरीके से पलट देंगे। अब गले को अच्छे तरह से पलट के इस पर आयरन कर ले ताकि सिलाई करने में आसानी हो। अब हम इसके टॉप पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। ये सिलाई हमें अच्छे से और ध्यान से लगानी है। यहाँ हमारा बैक नेक बनके तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रंट नेक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया तो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अब हम शोल्डर को मिलाते हुए सियेंगे। दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। हाफ इंच छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये मजबूती से सिल जाए। अब सिलाई ख़त्म करते समय यह ध्यान दें कि हमें वहाँ गांठ भी लगानी है ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं। हम दूसरे साइड के भी शोल्डर को इसी तरीके से सी लेंगे। शोल्डर की सिलाई करने के बाद
हमने जो कटिंग के समय निशान लगाया था उसे हम और गाढ़ा कर लेंगे, देखिए कुछ ऐसे। और कपड़े को ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे, हमने जिधर निशान लगाया है उधर उसे ऊपर रखेंगे। कपड़े को अच्छे से बराबर करेंगे और उस पर ऐसे टैप कर देंगे ताकि हमने जो चौक लगाया है वो दूसरे तरफ भी अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इसे गाढ़ा कर देंगे, इससे हमारी दोनों तरफ फिटिंग का निशान लग जाएगा। यहाँ हमारा निशान लग गया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे और अपने पहले स्लीव्स की सिलाई करेंगे। स्लीव्स की पहले हम मोहरी सी लेंगे, पहले इसे सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे डबल फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई हम स्लीव्स के उल्टी साइड पर लगाएंगे। यहाँ हमें कपड़े को खींचना नहीं है, लूजिंग देते हुए हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरे स्लीव्स को भी सिल लेंगे। दोनों स्लीव्स सिल जाने के बाद हम स्लीव्स को मेन सूट पर अटैच करेंगे। यहाँ हमने शोल्डर पहले ही सी लिया था, अब हम अपने स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर रहेगी, हम यहाँ कट को मिलाएंगे। ये गहराई में जो हमने कट लगाया था वो सूट के फ्रंट में रहेगा कुछ इस तरीके से, और सेंटर में जो हमने कट लगाया था वो शोल्डर के सामने रहेगा। और ऐसे हम बाजू को पलट देंगे, फिर ऐसे कपड़े को मिलाते हुए हम इसके किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कपड़े को बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे हाफ इंच छोड़ के। कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने बीच में जो छोटा सा कट लगाया था और जो शोल्डर की सिलाई है वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए यहाँ पर। एक बार सिलाई लगाने के बाद हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमारी डबल सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, देखिए हमारी स्लीव्स अच्छे तरीके से सिल गई है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से स्लीव्स को लगा लेंगे। यहाँ मैंने दोनों साइड पर स्लीव्स को जोड़ लिया है, अब हम इस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे स्लीव्स को और मोहरी का निशान लगा देंगे। आप अपने नाप के हिसाब से यहाँ मोहरी पर निशान लगा सकते हैं, यहाँ मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। फिर हम इस निशान को चेस्ट के निशान तक मिला देंगे। कुछ इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। निशान लगाने के बाद हम फिर इसी निशान पर सिलाई भी लगाएंगे।
यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरीके से सूट के दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप अपनी सूट की फ़िटिंग चेक करना चाहते हैं तो अभी आप दोनों साइड सिंगल सिलाई लगाकर अपनी सूट की फ़िटिंग चेक कर लें, फिर उसके बाद हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ डबल सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब हम अपने किनारे को सियेंगे। किनारे सीने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। एक साइड हमारा कपड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है, इसे हम काट के निकाल देंगे। हमने सूट के दोनों साइड अलग अलग कटिंग किए थे, इस वजह से कपड़ा कभी कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ हम जो कपड़ा ज़्यादा हो गया उसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ हमारे दोनों किनारे बराबर होने चाहिए। अब हम इसके किनारों पर सिलाई लगाएंगे। हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन रखा था उसे ही हम फोल्ड करेंगे। नीचे से कपड़ा फोल्ड करना हम शुरू करेंगे। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है आप वैसे ही कपड़ा फोल्ड करें। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना है कि हमें कपड़े को खींचना नहीं है। आप कपड़े को फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगाते जाएं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ ऊपर में कपड़ा फोल्ड करते समय हम कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे, उसके बाद के कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगाएंगे। कपड़े को पहले अच्छे से सीधा कर ले, फिर कपड़े को फोल्ड करें, उसके बाद उस पर सिलाई लगा दें। किनारे पर सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कपड़े को कभी खींचना नहीं है, उसे खींचकर फोल्ड नहीं करना है। अगर हम कपड़े को खींचकर फोल्ड करेंगे तो हमारे किनारे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इसलिए आप कपड़े को खींचे नहीं।
अब हम दूसरे किनारों को भी इसी तरीके से फोल्ड करके सी लेंगे। यहाँ हमारी किनारों पर सिलाई हो गई है, देखिए कुछ सिलने के बाद ऐसा दिखेगा। अब हम इसके दामन पर सिलाई लगाएंगे। आप इसे भी उसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। यह हमारी सूट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। हमारा सूट सिलकर तैयार है। सिलने के बाद हमारा सूट कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।